का बदला लिया, इंतकाम लिया, तो देखना कि जिन्होंने जुटाया उनका अंजाम क्या हुआ। वह इसका अल्लाह इब्राहिम बोले अभी ही बकाऊ में ही याद करो जब इब्राहिम ने अपने बाप से अपनी कौम से कहा इन्नानी बरा उम्मी मत आबुदून मैं बड़ी जिम्मा हूँ बेजार हूँ खुदाओं से जिन्हें तुम पूछते हो इल्लज़ी सिवाय उस रब के जिसने मुझे पैदा किया फइन्नहु सही या सयाह दीन तो वो मुझे जरूर हिदायत देगा वजह अल्लाह कलिमत बाकिया तक तो उसने बना दिया उसको एक बाकी रहने वाली बात यानी अल्लाह ने इब्राहिम को एक बाकी रहने वाला किस्सा बना दिया। फिर अभी भी ही बाद वालों में अल्लाह यरजून शायद इस तरह वो लोग लौट आए बल मत्ता उलाई व आबा उहुम हत्ता जाअहुमुल हक्कु व रसूलुहुम मुबीन बल्कि मैंने सामान्य जिंदगी दिया इन लोगों को उनके बाप दादों को यहाँ तक कि जब उनके पास हक आया और रसूल आया दलाई रोशन देकर वलम्मा जाअहुमुल हक्कु तो फिर जब उनके पास हक आ गया कालू कहने लगे हाज़ा सिह्रुन ये जादू है वही नबी काफिरुन हम इसके इनकार ही हैं। अल्लाह कहते हैं हमने मुख्तलिफ कौमों को मालूम बता दिया तो उसके बदले में उनसे कुछ नहीं मांगा बस जब उन पर हिदायत आई तो उन्होंने हिदायत की पैरवी करने के बजाय इनकार कर दिया। वकाल उन्होंने कहा लौला नुज़िला हाज़ा कुरआन अला रजुलिन मिन अल-क़रयतैन अज़ीम कुफारे मक्का कहते हैं कि ये कुरान दो अजीम शहरों ताइफ और मक्का के किसी बड़े सरदार पर नाज़िल क्यों नहीं हुआ अहु यक्सिमून रहमती रब्बिका क्या तेरे रब की रहमत का फैसला ये करेंगे नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया हम हैं जिन्होंने तकसीम किया है कि माबैन दुनिया की जिंदगी के माल को वरफान बाज़हुम फौका बाज़ी दरजात और बाज़ के बाज़ पर दर्जे बढ़ा दिए नियत तकी बाज़हुम बाज़ सुख्रिया ताकि हम देखें इनमें से कौन है जो दूसरे को पकड़ता है बतौर खिदमतगार यानी हमने मुख्तलिफ दर्जे बढ़ा दी बना दिए ताकि लोग एक दूसरे के काम करें मुलाजमतें करें वरा मत रबी का खैर उमिन मई जमाऊँ लेकिन तेरे रब की रहमत उस सारे माँ से बेहतर है जब वो जमा करते हैं वलून अन्ना सोमत वाहिदतन अगर ना होता ऐसा कि तमाम इंसान एक ग्रोह बन जाए लजा अल्ला में या फुरू हम कर देंगे उसके वास्ते जो कुफर करता है बेरहमान रहमान के साथ ही बयूत हैं उनके घरों के लिए सूखा फन छते में फिजा की चांदी से और मां रिजा अली और उसकी सीढ़ियां भी या जरूना जो चढ़ते हैं वही बयूत हैं अफवाह और उनके घरों के दरवाजे भी वसूल और तख्त भी अली तक ऊना वो तकिया लगाते हैं वजुखरफन और सोने के वही कुल उजाल कलम मता और हयात दुनिया और बेशक ये सब दुनिया की जिंदगी का सामान है वाला और आखिरत तो तेरे रब के पास मुत्तकी लोगों के लिए है। अल्लाह कहते हैं अगर मुझे ये फिक्र ना होती कि मोमिन जो है आजमाइश में फेल होकर सारे के सारे काफिर हो जाएंगे तो काफिरों के घरों की छतें सीढ़ियां दरवाजे उनके तक सोने और चांदी के बना देता इतना पैसा देता जो गफलत बरतता है रहमान के जिक्र से तो कई हिस्सा हो शैतान उस पर हम एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं फहुवा लहू करीम उसका साथी बन जाता है वही नहुम लियसुद्दूनहुम अन सबीली और बेशक फिर वो लोग रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से वयहसबूना अन्नहुम मुहतदून और समझते हैं वो हिदायत पर है हत्ता इज़ा जाअना यहाँ तक जब वो आएगा हमारे पास काला कहेगा या लैता बैनी व बैनका बूतल मशरिकैनी काश मुझे मेरे शैतान दोस्त में मशरूक मगरिब का फासला होता था भी सरकरी ये तो बदतरीन साथी है वाला यह फौर को मिल जाऊँ आज के दिन हरगिज वो तुम्हें नफा नहीं देगा इस जलम तुम जब जुल्म किया तुमने अन्ना को फिर अजाब मुश्तरीक हो और तुम अजाब में इकट्ठे होगे अफा अंता तुसमे सुम मला क्या भला बहनों को सुनवाएंगे और तहरीर उमिया या अन्य को रास्ता दिखाएंगे वमन कान फी जलाल मुबीन और बेशक जो कोई इतनी खुली गुमराही में पड़ा हो वो उसके बाकी फैसले हैं फइम्मा नज़हबन नाबिका फिर अगर हम ले जाएं तुझको फइन्ना मिन्हुम मुत्तकिमून तब भी हम इनसे इंतकाम लेकर रहेंगे फिर वही बात है अगर हम तुम्हें ले जाएं यानी अगर हमें हम आपको फोर्स कर दें तो इनको माफ तो नहीं कर देंगे और उन्हें नकल लजी वाद ना हो या हो सकता है हम आपको इनके साथ वादा किए गए अजाब को कोई हिस्सा दिखा दें वही नाले ही मुक्तदिरून तो हम ऐसा करने पर कुदरत रखते हैं बस तब से बिल लजी उहिया इलैका बस तो मजबूती से थाम लो उस किताब को जो तुझ पर वही की गई है इन्ना काला सिरात मुस्तकीम तू सीधे रास्ते पर है वही नाह जिक्रुल्ला का वली कौम का ये किताब याद दहानी है तेरे लिए तेरी कौम के लिए बस हम फतु सलून अन करीब तुमसे सवाल होगा बस अलमन अरसल नबी कबली का मैं रूस लेना पूछ लीजिए जिसको भेजा हमने आपसे कबल रसूलों में से यानी जो रसूल आपसे पहले है उनसे पूछिए अजा अल नबी दूनी रहमानी आलिहत याबुदून कि क्या हमने रहमान के अलावा भी कोई खुदा उन्हें बताए थे जिनकी वो पूजा करते थे वला कद अरसलना मूसा भी आया कि ना इला फिरौन व मलाइही हमने मूसा को भेजा फिरौन और उसके सरदारों की तरफ फकाला उसने कहा कि नी रसूल रब्बिल आलमीन मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ फलम्मा जाऊँ भी आया थी ना फिर जब बुलाया उनके पास हमारी निशानियाँ इजाहुम मिन यज़कून तो वो उस पर हंसते थे और मान नुरीहिम मिन आयतिन हम जब भी कोई निशानी दिखाते इल्ला हिया अकबरु मिन उख्तिहा वो अपनी दूसरी निशानी से ज्यादा बड़ी होती
میں پرائے میں ٹڈیوں کا عذاب جو ہے وجوہوں کا عذاب اور یہ مینڈکوں کا عذاب خون کا عذاب اللہ کہتے ہیں ہر اگلی نشانی پچھلی سے بڑی ہوا کرتی تھی واخذ نہ ہوں بالعذاب الا اللہ یرجعون اور جب وہ باز نہیں آئے تو ہم نے انہیں عذاب سے پکڑ لیا وقالوا یا ایھا الساحر تو وہ کہتے ہیں کہ اے جادوگر ادع لنا ربک اپنے رب سے دعا کر بما عہد عندک اس لیے کہ ہمارا تیرے ساتھ عہد ہے یعنی اللہ فرماتے ہیں جب وہ لوگ سرکشی سے باز نہیں آئے تو ہم ان پر سزا اتارتے یعنی قحط سالی پڑی پھر سیلابوں کا مسئلہ آیا پورے مصر میں پھر جوؤں کا پھر ٹڈیوں کا تو اللہ کہتے ہیں جب بھی کوئی عذاب آتا تو کہتے ہیں موسیٰ کو اے جادوگر ہمارے لیے دعا کر اننا لا مہتدون اگر تو یہ نجات عذاب ہٹا دے گا تو ہم ضرور ہدایت پا لے گی اسلام لے آئیں گے فلما کشف عنہم العذاب اور ہم ان سے عذاب ہٹا دیتے اذا هم یبلسون تو وہ اپنے حد سے پھٹ جاتے نادا بنا فرعون فی قومہ فرعون نے اپنی قوم میں اعلان کروایا قال یا قوم اس نے کہا میری قوم علیس علی ملک مصری مصر کیا مصر جو ہے میری ملکیت نہیں ہے وہ ظہیر انہار اتر جن میں تاہتی کیا میرے گھر کے نیچے رہنے نہیں بیٹھتی افرا تب سرون کیا تم نے دیکھا نہیں ہے آپ انا خیر من حاضر لذی ہوا مہین میں بہتر ہوں یا یہ معمولی آدمی ولا یکاد یبین اور نہیں ہے اس قابل بھی کہ اپنی بات واضح کر سکے کہ موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی ان کو تو کہنے لگا کہ یہ بات ہی واضح نہیں کر سکتا فلو لہو کی علیہ اصلۃ من ذہب کیوں اسے سونے کے کنگن نہیں پہنائے گئے اور جا اما کو ماں اہل ملائکہ تو مقتلنین یا پھر اس کے ساتھ فرشتے بھیجے جاتے جو اس کے حملہ رہتے کہ اگر یہ اللہ کا رسول ہے تو یا تو فرشتے الگ الگ گارڈ کرتے اس کو اور یا پھر اس کو اللہ بطور اپنے رسول کی نشانی دیتا کوئی کنگن چمن پہناتا کیونکہ بادشاہ پہنا کرتے تھے نا تو اس لیے ہلکا پایا اس تبتی قوم کو تو انہوں نے اس کی اطاعت کی اتنا قوم قومن فاسقین بے شک پوری قوم بھی نافرمان تھی فلما آسفونا تو جب غصے میں لائے ہمیں انتقم نہ ہم نے انتقام لیا منہم ان سے فرقنا ہم اجوائن اور ہم نے ان سالوں کو ربو دیا فجعلنا سلفا تو بنایا ہم نے ان کو پیش رو مثلا للمثال للآخرین بعد والوں کے لیے ولما تزرب ابن مریم اور جب بیان کیا مریم کے بیٹے کے قصے کو مثلا بطور مثال اذا قوم کا تو اچانک تیری قوم منہم جیسے دو تالیاں بجاتی ہے چلاتی ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر آیا نا تو ان لوگوں نے کہا دیکھا یہ تو عیسائیوں کا ٹاؤٹ ہے عیسائیوں کا بنتا ہے کیونکہ عیسائیوں سے نفرت کرتے تھے یہود سے محبت رکھتے تھے کعبے پر دو مرتبہ حملے ہوئے نا دونوں مرتبہ عیسائیوں نے کی تو اس لیے عیسائیوں سے نفرت کرتے تھے اور یہودیوں سے محبت کرتے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام کا جب تذکرہ آیا قرآن میں تو ان لوگوں نے اس بات کو یعنی ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا کہ دیکھا یہ تو عیسائیوں کا ہمدرد ہے مکانو کہتے ہیں آ یہاں تو نہ خیرن آم ہوا کیا ہمارے الہ بہتر ہے یا وہ اچھا پھر ایک اور بات تھی آپ کو پتہ عیسائی باقاعدہ بت بنا کر پوچھتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کو بھی تو کہنے لگے دیکھا عیسیٰ کی بات کرتا ہے تو وہ بھی تو بت پرستی کرتی ہے تو پھر ہمارے خدا کیا بت ہیں ماں ذرا وہ لکائی لا جدلا انہوں نے جو باتیں بیان کی محض جھگڑے کے طور پر کی بھائی ہم قوم منخصمون وہ قوم ہے ہی بڑی جھگڑالو ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ بے شک عیسیٰ ہمارے ایسے بندے تھے جن پر ہم نے انعام کیا تھا وجہ اللہ مسلم علی بنی اسرائیل اور ہم نے انہیں بنی اسرائیل کے لیے علامت بنایا تھا بلو نشاء لجعلنا منکم ملائکۃ فی الارض یخلفونا اگر ہم چاہیں تو ہم بنا دیں تم میں سے فرشتوں کو زمین میں جانشین وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ اور بے شک قیامت کا علم اسی کے پاس ہے فلا تمترن بها تم اس میں شک مت کرنا وتبعون یا میری پیروی کرو ھذا صراط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قیامت کے علم اللہ کے پاس ہے تم میری پیروی کرو بلا یہ سدن نہ پوچھ شیطان نہ روکے تمہیں شیطان ان نہ مبین وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے ولم مجا عیسیٰ بھی بینات اور عیسیٰ کے پاس روشن دلائل لائے کالا کل جیت کو بھی حکمتی اس نے کہا میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں ولی بینا لکم باز النزی تختلف نفی اور میں تم پر مبادلے واضح کروں گا جن میں تم اختلاف رائے کرتے ہو فتقوا اللہ اللہ سے ڈرو واتیونی میری پیروی کرو ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوه اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے اسی کی عبادت کرو ھذا صراط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے فاختلف الاحزاب من بینهم تو اس کی قوم کے گروہوں نے اس سے اختلاف رائے کیا وویل للذین ظلموا من عذاب یوم الدین تو بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا قیامت کے روز دردناک عذاب کی ہر یا ضرور نہیں لسا آتا کیا وہ انتظار کر رہے ہیں قیامت کا انتا کہ وہ وقت تک کہ اچانک ان پر آن پڑے وہ بلا یا شنون انہوں نے پتا بھی نہ چلے
الاخلاؤ یومئذ بعضهم لبعض، یہ دوستیاں ان کی آج کے دن ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، عدو للمتقین، قیامت کے لیے سب دشمن بن جائیں گے سوائے متقی لوگوں کے. یا عبادی لا خوف علیکم اليوم، متقیوں سے کہا کہیں گے اللہ کہ میرے بندو آج ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. ولا انتم تحزنون، نہ تم دکھی ہو. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یہ وہ لوگ ہیں جو میری آیتوں پر ایمان لائے اور میرے فرما بردار رہے. ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، تم اور تمہاری بیویاں جنتوں میں رکھے جاؤ گے خوشی خوشی. یطاف علیہم بصحاف من ذہب وأکواب، اور جب محفلیں لگا کر بیٹھیں گے تو ان پر گردش کرائے جائیں گے ایسے پیالے جو سونے اور چاندی کے ہوں گے، سونے کے ہوں گے، اور ایسے پیالے ہوں گے جو سونے کے ہوں گے. وفیہا ما تشتہیہ الانفس، اور وہ جو بھی تمنا کریں گے اپنے دل میں اسے موجود پائیں گے. وتلذ العیون، اور ان کی آنکھوں کو لذت ملے گی. وانتم فیہا خالدون، اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے. وتلک الجنۃ التی ورثتموها، یہ وہ جنت ہے جس کا وارث بنا دیا ہم نے تمہیں. بما کنتم تعملون، تمہارے اعمال کے باعث. لہو فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تاکلون، تمہارے لیے اس میں بہت پھل ہوں گے جو میں سے تم کھاؤ گے. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، اور بے شک مجرم لوگ جہنم میں ہمیشہ اپنا عذاب کاٹیں گے. لا یفتنوا عنہم، ان سے عذاب کم نہیں ہوگا. وہ فیہا مبلسون، اور وہ اسی میں ہمیشہ مایوس ہو کر رہیں گے. وما ظلمناہم ولکن کانوا ہم الظالمین، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا مگر یہ لوگ خود ظلم کرنے والے تھے. ونادوا یا مالک، اور وہ پکاریں گے اے مالک، مالک جہنم کے داروغہ ہے. لیقضی علینا ربک، تو اپنے رب سے کہ ہمارا فیصلہ کر دے. قال انکم ماکثون، مالک کہیں گے اب تو تمہیں یہیں رہنا ہے. لیکن جینا کو بالحق کی، بے شک ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے. ولکن اکثرکم للحق کی کارہون، مگر تمہاری اکثریت نے آپ کو ناپسند کیا. ہم ابرموا امرا، بلکہ انہوں نے مقرر کیا ایک کام. فلنما مبرمون، تو بے شک ہم بھی مقرر کرنے والے ہیں. یعنی وہ کہیں گے کہ مالک تیرا رب ہمیں موت دے دے، اللہ سے کہیں تو کہیں گے کہ کچھ نہیں ہو سکتا. ہم یا سمونا ان لا نسمعوں سرہم و نجواؤں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی باتیں جو کھلے کرتے ہیں، جو سرگوشیوں میں کرتے ہیں، سنتے نہیں ہیں. بلا کیوں نہیں، ورسلنا لدیہم یکتبون، ہم سنتے ہیں اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لکھتے بھی ہیں. قل ان کان للرحمن ولد، کہہ دیجئے اگر رحمان کے لیے اولاد ہے. فانا اول العابدین، تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا. اگر رحمان کا کوئی بچہ ہوتا تو میں سب سے پہلے اسے پوچھتا. سبحان رب السماوات والارض، زمین و آسمان کا رب ایب سے پاک ہے. رب العرشی، وہ عرش کا رب ہے. اما یصفون، اور وہ پاک ان باتوں سے جو تم بیان کرتے ہو. فضل ہم یوگوں تو وہی الگ، انہیں اپنی کھیل کود اور بحثوں میں لگا رہنے دو. حتی یلا کو یو محم الزی ہوا تو آن میں اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. وہ الزی فی سمائی الہ، اور وہی رب ہے جو آسمان میں الہ ہے. وہ فی الارض الہ، اور زمین میں الہ ہے. وہ الحکیم العلیم، وہ حکمت والا علم والا ہے. وہ تبارک الزی لہو ملک السماوات والارض وما بینہما، برکت ہے اس ذات کے لیے جس کی بادشاہی آسمان و زمین اور اس کے مابین میں چائی ہوئی ہے. وانہ علم الساعۃ، قیامت کا علم وہی رکھتا ہے. والیہ ترجعون، تو اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ولا یملک الذین یدعون من دونہ شفاعۃ الا من شهد بالحق وهم یعلمون، اور جن لوگوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان میں سے کوئی ان کی شفاعت کا سفارش کا اختیار نہیں رکھتا مگر یہ کوئی سچی گواہی دے دے، اور یہ بات وہ جانتے ہیں. ولا ان سالتہم من خلقہم، اور پوچھو تم ان سے کہ کس نے پیدا کیا انہیں. لیقولون اللہ، کہیں گے اللہ نے. فانا یوفکون، تم کدھر بہکائے جاتے ہو پھر. وکیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، قسم ہے ان لوگوں کے قول کی کہ اے رب بے شک یہ قوم ایمان نہیں لاتی. فاسفخ عنہم، بس درگزر کرو ان سے. وقل سلام، کہو السلام علیکم. فسوف یعلمون، ان قریب انہیں پتہ لگ ہی جائے گا. سورہ دخان، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم، و کتاب المبین، قسم ہے روشن کتاب کی. انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منزلین، بے شک ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں اتارا، اور بے شک ہم ڈرانے والے ہیں. اب یہاں سے عام طور پر کیا نکالا جاتا ہے؟ شب برات کا جواز. لیکن آپ کو جانتے ہیں کہ انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ کہا گیا تو قرآن کی تشریح پہلے قرآن سے ہوتی ہے، اور آپ سورہ قدر پڑھتے ہیں. اللہ رب المشاہ کرواتے ہیں انا انزلنا فی لیلۃ القدر، یہاں کہا گیا لیلۃ المبارکہ، تو لیلۃ المبارکہ کون سی ہے؟ سورہ قدر، لیلۃ القدر. تو لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ رمضان. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے نہیں، 27ویں نہیں ہے، رمضان میں آتی ہے بس. اور جی آخری پانچ تاک راتوں میں سے کوئی ایک. تو بقرہ میں بھی آپ نے پڑھا، اللہ رب کریم فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن کو اتارا.
کہ جہاں روزے کے احکام آتے ہیں تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان ہی کا مہینہ جس میں ہم نے قرآن اتارا. تو اس آیت کی تشریح خود قرآن ہی کر رہا ہے, انا انزلنا فی لیلۃ المبارکۃ, اور پھر انا انزلنا فی لیلۃ القدر, اور پھر یہ بیان کہ قرآن کو ہم نے رمضان میں اتارا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو لیلۃ المبارکہ سے مراد شب قدر, شب قدر کب آتی ہے؟ رمضان میں. رمضان کی آخری پانچ تاب راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوگی, ستائیسویں رات ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, یہ منہوں کی بات ہے جو کہتی ہوئی, ٹھیک ہے, یہ ایک گمان ہے. وہ کہتے ہیں جی لیلۃ القدر کا لفظ سورہ قدر میں تین مرتبہ آیا ہے اور لیلۃ القدر میں نو حروف ہے, تو نو تیا ستائیس بنتا ہے, لہٰذا ستائیسویں رات ہے. یہ کون سی رات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آخری پانچ راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے, تو لیلۃ القدر کو ان پانچ راتوں میں تلاش کرو, اور یہ پھر کر آتی ہے. لہٰذا ایک سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ لیلۃ القدر کی رات ہے, میں نماز پڑھا رہا ہوں صحابہ کو اور چھت ٹپک رہی ہے مسجد نبوی کی. تو انس کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب ہم سے بیان کیا, تو اس سال 21 رمضان میں ایسا ہوا کہ ہم فجر کی نماز پڑھنے کھڑے تھے اور بارش ہوئی اور ہم سجدے سے اس طرح, یعنی ہم نماز پڑھ رہے تھے, ہمارے اوپر پانی ٹپک رہا تھا. تو پھر اس سال شب قدر کا ہوئی 21 رمضان. اور ایک اور مرتبہ کا بیان کرتے ہیں ابن عمر عبداللہ بن عمر, کہ وہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے خواب, مجھے خواب میں شب قدر دکھائی گئی اور میں نے دیکھا کہ میں سجدے سے اٹھا اور میرے ناک پر کیچڑ لگا ہوا تھا, یعنی رات میں بارش ہوئی, اور یعنی پہلے میں دیکھا نا کہ صبح فجر کے وقت بارش ہو رہی ہے, تو اس میں دیکھا کہ رات کو کسی کو بارش ہوئی, تو جب سجدہ کیا تو فرش نہیں نا پڑا ہوا تھا, تو زمین پر کیچڑ بنا تھا, تو وہ منہ پر لگا ہوا آپ نے دیکھا خواب میں. تو انس کہتے ہیں کہ یہ 23 رات تھی جب ایسا ہوا کہ اول رات میں بارش ہوئی عشاء کے بعد, تو جب فجر کی نماز پڑھ کر پڑھنے لگے سب, تو سجدے سے سر اٹھایا تو ناک سب بھی کیچڑ آ رہی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا پر پیشانی پر کیچڑ لگا ہوا تھا, تو رات بدل کر آئی نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے, ایک کوئی بھی رات. تو یہ 27ویں 28ویں جو ہے نا, یہ اہم بیکار بات ہے, اللہ ہی جانتا ہے کہ کس رات میں شب قدر ہوگی. پانچوں راتوں میں تھوڑی تھوڑی عبادت کیجیے, ایک رات آپ اس میں سے ضرور پا لیں. کس نے کہا؟ کہاں پڑھتے ہیں؟ سنتے ہیں صرف, سنی سنائی بات ہے, سنی سنائی بات ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مکمل نہیں ہوا رمضان میں, قرآن تو مکمل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حج کے مہینے, ٹھیک ہے, آخری وہی حج کے موقع پر آئی تھی. قرآن کا آغاز رمضان میں ہوا تھا اور وہ 21 رمضان تھا, اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں, ٹھیک ہے. قرآن کی جو پہلی وحی ہے نا اقرا بسم ربک الذی, 21 رمضان کو آئی تھی, اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. لیکن اس سے بھی یہ نہیں ہے کہ 21 رمضان ہی لیلۃ القدر ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری پانچ راتوں میں کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی ہوتی ہے, کیونکہ لیلۃ القدر پھر کر آتی ہے کہ کبھی کوئی رات کبھی کوئی رات, لہٰذا تم ان پانچوں راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرو. تو پانچوں راتوں میں محنت کرنی چاہیے, پوری رات جاگنا نہیں ہے ضروری, یہ نہیں بالکل نہیں سونا, لیکن کچھ نہ کچھ ایکسٹرا عبادت ضرور کریں. وہ ان لوگوں کی ذاتی سوچ ہے, کسی کی ذاتی سوچ پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی. بات یہ ہے کہ یہ 27ویں کا چکر صرف بنے صغیر میں ہے اور کہیں بھی نہیں ہے, بلکہ عرب ممالک میں تو قرآن پورا پڑھنے کا رواج بھی نہیں ہے. یہ آپ کچھ عرصے سے حرمین میں ہوا ہے, ورنہ وہاں تو ایسا نہیں ہوتا تھا, بس طویل نماز پڑھاتے ہیں. آج بھی عام مساجد میں طویل نماز پڑھاتے ہیں. قرآن ختم کرنا بری بات نہیں ہے, بے شک کیا جائے, لیکن عام طور پر اس کا یعنی رواج سمجھا نہیں گیا. اہل نبوی میں ایسا نہیں ہوتا تھا, بعد میں بھی نہیں ہوتا رہا, ابھی تک نہیں ہوتا. یہ کچھ سالوں سے حرمین میں اس بات کو قبول کیا گیا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ویسے میں عرض کر رہی ہوں کہ یہ کوئی صحابہ کی سنت نہیں ہے, کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے, یہ ہم لوگوں نے اپنا ایک ذہن بنایا ہوا, ٹھیک ہے. تو 27ویں کا شب قدر ہونا کسی بھی طرح پروف نہیں ہوتا. ہاں کبھی 27ویں بھی ہوگی, پانچوں راتوں میں سے ایک رات ہے, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی کہا کہ پانچ راتوں میں سے ایک شب قدر ہے, اس کو ان پانچوں راتوں میں تلاش کرو. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں مجھے پہلے لیلۃ القدر دکھائی گئی, لیکن پھر تم لوگوں کے جھگڑے کے باعث اس کا علم اسے اٹھا لیا گیا, اب تم اسے آخری پانچ راتوں میں تلاش کرو.
ठीक है। और एक हदीस में आपने बगैर ने ये कहा कि ये फिर कर आती है, यानी कभी कोई रात होती है कभी कोई रात होती है। तो लैलतुल कदर वही बंदा पाएगा जो पांचों रातों में कुछ ना कुछ मेहनत करे। सब गफलत की बात है कि हम बाकी सारी रातों में सोए पड़े रहते हैं, 27वीं पूछ कर थोड़ा बहुत पढ़कर तो हम समझते हैं कि हमने लैलतुल कदर पा ली, कोई दलील नहीं। और इससे शब्बे बरात का कोई जवाब नहीं निकलता। शब्बे बरात के मुतालिक जो दो अहादीस आती हैं, दोनों शिद्दत से ज़ईफ हैं। अलबत्ता उनकी जाके ठीक है उसकी मर्जी, लेकिन ये साबित नहीं है। ना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी शब्बे बरात का एहतमाम फरमाया, ना सहाबा ने फरमाया, और ना ही कोई एक सही हदीस इस तक पहुंचती है। तो ये आयत जो है शब्बे कदर ही के बारे में है, क्योंकि लैलतुल कदर खुद सूरतुल कदर जो है उसकी पहली आयत खुद वजाहत कर दी थी कि लैलतुल कदर मुबारक से मुराद लैलतुल कदर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में नहीं दोहराते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल को सुनाते थे। जिब्राइल रोज आपके पास आते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कुरान का एक पारा एक हिस्सा सुनाते थे। तो पूरा रमजान में आप जितना कुरान उतरा होता था वो सारा का सारा रमजान में रिवाइज कर लेते थे, और सहाबा भी आपस में करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कह रखा था तो सहाबा भी मस्जिद में जमा हो जाते। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं मस्जिद में हल्के बन जाते और सहाबा एक दूसरे को यादशुदा कुरान सुनाते, और जिन्होंने जुबानी याद किया होता जुबानी सुनाते, जिन्होंने वैसे नाजरा पढ़ा होता तो नाजरा सुनाते। तो रमजान हो रहा है कुरान के लिए एक खास महीना है, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सहाबा सुनाते, सारे तो नहीं सुना सकते थे, तो फिर सहाबा एक दूसरे को सुनाते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्रुप भी बना देते थे कि जैसे चार पांच लोगों का एक अमीर, तो इस तरह ये ग्रुप जो है ये पूरे रमजान में अपना जितना कुरान उन्होंने याद किया होता था रिपीट करते थे, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूरा कुरान करते थे। शबे कदर में पूरे साल की फैसले हो जाते हैं, ठीक है, अमाल पेश नहीं किए जाते, पूरे हमारे साल भर के फैसले हो जाते हैं कि अगले साल क्या क्या होगा। जैसे हमारी हुकूमतें बनाती है ना अपना प्लान, तो अल्लाह रब्बे करीम जो मालिकुल मुल्क है वो भी पूरा प्लान जिब्राइल के हवाले कर देते हैं कि जिब्राइल फुलां वक्त पर फुलां टाइम पर फुलां डेट पर ये काम होना है और तुमने ये करना। तो जिंदगी भर के मुआमलात होते हैं, और उसके अलावा इस रात में सबके अमाल नामे तो अल्लाह के पास पहले ही गए होते हैं ना, इस रात में सबके अमालों की बख्शिश होती है। जो बंदा इस रात में बख्शिश मांगता है उसको जरूर बख्श दिया जाता है, लेकिन इस रात में भी जो शराबी है, जो जानी है, मुस्तकिल वालदैन का नाफरमान है, जादूगर है, इंसानी शक्लें बनाने वाला है, मुजस्समा साजिया जो है, पेंटर, हर तरह की पेंटिंग नहीं पोर्ट्रेट मेकिंग, और मुखन्नस यानी औरतों की तरह के हुलिये बनाने वाले मर्द, और मर्दों की तरह के हुलिये बनाने वाले औरतें, और देवस यानी बेगैरत मर्द जो अपनी औरतों को बहनों बच्चियों बीवियों को बेहयाई से नहीं रोकते, बेपर्दगी से नहीं रोकते, और बददयानत ताजर और जालिम हाकिम, और वो बंदा जो फकीर हो और मुतकब्बर भी हो, यानी भिखारी हो कभी मुतकब्बर हो, तो ये सारे लोग जो है ये बख्शे नहीं जाएंगे इस रात में, इल्ला ये कि तौबा कर ली। इसी तरह टेररिज्म करना, खराबा करने वाला, खराबा में दो चीजें आती हैं, टेररिज्म और डाका जमीन वगैरह, तो ऐसे लोगों को भी इस रात में बख्शिश नहीं होगी, यतीम का माल खाने वाले की नहीं होगी, ठीक, जब तक वो तौबा ना कर। तो बाकी हर खास वाम को इस रात में अल्लाह बख्श देते हैं, सिवाय ये कि वो बख्शिश ना मांग रहा हो, यानी कि इस रात में भी वो अल्लाह से दुआ ना करे, ठीक। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी जो खास तौर पर हमें सिखाई वो माफी की ही है। क्या है भला आती होगी आपको? शाबाश, अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवन तुहिब्बुल अफ्वा फाफू अन्नी, ये आयशा सदीका को सिखाई। आयशा कहती है मैंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैं शब्बे कदर पाऊं तो कौन सी दुआ मांगू जो ये बहुत अहम हो, तो आपने फरमाया आयशा यूं कहा करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवुन तुहिब्बुल अफ्वा फाफू अन्नी, अल्लाह जी तेरी खुद अफ्व है, तेरी सिफत है अफ्व, और तू माफ करना पसंद करता है, बस मुझे माफ कर दे। तो जो माफ कर दिया गया वो बच गए। तो शबे कदर को पांचों रातों में तलाश करें, कोई नहीं जानता किसी भी तरह से कि किस साल शबे कदर किस रात में आएगी, ठीक है।
देखिए निशानियां होती हैं मगर उनको महसूस करने की हिस्सा होनी चाहिए। ईमान का कोई दर्जा हो, कोई तकवा का लेवल हो, है ना, तभी होता। तो हम लोग इस कदर अपने आप को प्लूट कर चुके हैं कि हम, मेरा नहीं ख्याल कि हम आलिक शरीर को जान पाती है। और बुनियादी बात यह है कि जो निशानियां हैं बयान हमारे लोग करते हैं, ये भी किसी हदीस से साबित नहीं है। ये उलामा ने अपने मुशाहिदे के बिना पर बातें कही, यानी इनकी जाती राय है कि इस रात में मौसम मोतदिल होता है, सितारे रोशन होते हैं, रात में सुकून महसूस होता है, तो कुत्ते नहीं भौंकते, ये तो बेकार सी बात है। बाकी जो और बातें की गई कि जी दूध बन जाता है पानी, दरख्त सजदे में गिर जाते हैं, तो ये तो आवाम की बात है, इनकी कोई हकीकत नहीं। हाँ, ये चंद बातें जरूर हैं जो उलामा ने कही, यानी वो कहते हैं कि हमने महसूस किया कि शबे कदर की रात में जो है वो सुकून बहुत ज्यादा होता है, चांद वगैरह ज्यादा रोशन महसूस होते हैं, सितारे वगैरह क्लियर होते हैं, रात ना ठंडी होती है ना गर्म होती है, मौतदिल होती है। तो ये उनके जाती मुशाहिदे हैं जिनका कोई ना, जिन्हें कसौटी नहीं बनाया जा सकता। देखिए अब आजकल में जब रात आएगी तो डेफिनेटली गर्म होगी और शरीर सर्दी में कुछ ना कुछ ठंडी होगी। आमीन। देखिए ये किसी बंदे को किसी वक्त अल्लाह की तरफ से कोई निशानी मिल जाए तो वो अल्लाह की खास इनायत है। किसी वजह से अल्लाह ने किसी को मुंतखब कर लिया, जैसे बाज औकात उलमा में से बाज लोगों को, बुजुर्गान दीन को ख्वाब वगैरह महसूस हुआ, इनके ख्वाब उन्होंने देखा कि भाई हम आज शबे कदर है इबादत करते करते, या उन्होंने जो है और कोई अलामत पाई और उसको सही पाया। तो ये जो है ये अल्लाह की इनायत है, अगर अल्लाह किसी को इनायत फरमा दे तो ये तो वही बहन जिसको अल्लाह चुन ले। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सबके लिए नहीं है। तो ऐसा आप देखें कि कभी होता है, किसी एक के साथ होता है। तो बुनियादी तौर पर हमें मेहनत करनी चाहिए इस रात को पाने के लिए, और वो मेहनत ये है कि पांचों रातों में कुछ ना कुछ करें। आप बेशक सारी रात ना जागे, घंटा दो घंटा इबादत करें, लेकिन पांचों रातों में करें। फिर अगर अल्लाह की तरफ से किसी साल खुशखबरी मिल जाती है शबे कदर की, तो ये माशाल्लाह अल्लाह का फजल है। और अगर खुशखबरी नहीं भी मिलती तो पांचों रातों में जागने वाला शबे कदर जरूर पाएगा, क्योंकि एक रात तो शबे कदर है। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं अर्ज कर रही हूँ ना कि ये तो अल्लाह की इनायत है। किसी वक्त जैसे हम कोई गिफ्ट देते हैं ना अपने किसी पसंदीदा बच्चे को, तो अल्लाह किसी बंदे पर मेहरबान होते हैं तो उस पर गिफ्ट करते हैं उसे, कि उसको शबे कदर का इल्म दे देते हैं कि आज शबे कदर। तो ये तो एक तोहफा है इजाफी, दिल को एक हक्कुल यकीन हासिल होता है। तो ये कभी किसी पर अल्लाह जो है फजल फरमा देते हैं, वो मालिक है, जिसको जिस तरह चाहे इज्जत बख्शे। लेकिन जो पांचों रातें जागेगा शबे कदर तो उसको मिल जाएगी, क्योंकि शबे कदर पांचों रातों में से एक है हर साल, तो उसको शबे कदर जरूर मिलेगी, ये नहीं है कि नहीं मिलेगी। तो पांचों रातों में तमाम करना चाहिए। एक और बात है कि हैज की सूरत में भी सो नहीं जाना चाहिए। आप नमाज नहीं पढ़ सकते ना, बाकी तो आप पढ़ सकते हैं, आप अज़कार पढ़िए। वैसे तो कुरान पढ़ने पर कोई पाबंदी नहीं है, और उलामा बाकायदा ही मानते हैं कि कुरान को हैज की हालत में पढ़ने के बारे में कोई मुमानियत नहीं आई। बस ये है कि बाज़ उलामा कहते हैं कि छुओ मत, तो उसको पाक कपड़े से पकड़ के पढ़ लो। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ बहुत वहम पाया जाता है और आप लोगों का दिल नहीं आमादा होता, तो ऐसी सूरत में पकड़ने का तो आप देखें आसान हल है, डिजिटल कुरान जो आपके मोबाइलों में है, आईपैड पर है, तो उसको पकड़ लें, तो उसको तो आप असल में छू ही नहीं रहे होते। लेकिन फिर भी आप लोगों का दिल मुतमईन नहीं होते, तो अज़कार तो कर सकते हैं ना, जो तस्बीहात है, दरूद पाक है, वो पढ़िए, दुआएं कीजिए, दुआ खुद इबादत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद दुआ ही अल इबादा, इबादत तो दुआ ही का नाम है, तो दुआ करें क्योंकि ये दुआओं की रात है। तो इस तरह यानी कुछ ना कुछ जरूर करें, ये सोच कर कि जी मैं तो हाइजा हूं मैंने क्या करना, सो मत जाए। और ये भी कि शब्बेदारी का मतलब ये नहीं होता कि पूरी रात जागे। आप जैसे आजकल तो माशाल्लाह 2:30 बजे सहरी के लिए उठना होता है, तो आप जैसे फारिग हुए इशा वगैरह से
तो आप 12 बजे तक 11 बजे तक जितना आपको सहूलत का टाइम है, घंटा दो घंटा तीन घंटा आप इबादत फरमाएं, उसके बाद आप सो जाएं। फिर जब आप सहरी के लिए उठे तो उस वक्त भी आप साथ जिक्र वगैरह करते हैं, साथ सहरी की याद करते हैं, हो गया। लेकिन जाया नहीं करनी ये रात। अब बिल्कुल, और दोनों दफा ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश देखी, बिल्कुल सही बात। असल में पता क्या है, ये सारी अल्लाह रब्बे में फरमाते हैं ना कि वमा कानु इल्ला यखरसून, ये लोग सिर्फ अपनी कयास आरायों के पीछे भाग रहे हैं। हम भी कयास आरायों के पीछे भाग रहे हैं इल्म को छोड़कर। इल्म क्या है? इल्म ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब्बे कदर मुझे बताई गई, उसका इल्म दिया गया, मगर तुम लोगों के झगड़े की वजह से वापस ले लिया गया। अब शब्बे कदर को आखिरी 5 रातों ताक रातों में तलाश करो। और एक दूसरी हदीस में आपने फरमाया कि शब्बे कदर इन 5 रातों में फिर कर आती है, कभी कोई रात कभी कोई रात, तो तुम इन 5 रातों में कयामुल्लैल का एहतमाम किया करो। ये है इल्म। और उसके बाद बाकी सारे अंदाजे हैं कि 27वीं रात है, 21वीं रात है, 23वीं रात है, ये सब अंदाजे। तो अंदाजों पीछे इल्म को नहीं छोड़ा जा सकता, ठीक है ना। जैसे आप एक शर्ट की पैमाइश करें ना, तो आप कहें मैं नापिया सी गिठा ने नाल थे 4 गिठे, और एक बंदे ने इंची टेप से नापा, वो कह रहा है कि नहीं जी ये 15 इंच है। आप कह रहे मेरी गिठा 8 इंच दी है, तो मैं 4 गिठा सर, तो ऐसे चबी बढ़नी है। आपके अंदाजे की वैल्यू नहीं है, इंची टेप की मेजरमेंट की वैल्यू, क्योंकि वो इल्म है, आप अंदाजा लगा रहे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इल्म है, और वो इल्म ये बताता है कि 5 रातों में से कोई एक रात लैलतुल कद्र होगी, लिहाजा इन 5 रातों में जागने का एहतमाम करना हो, ठीक है। और कोई बात लैलतुल कद्र के मुतल्लिक? चलिए, अल्लाह ने से लैलतुल मुबारक भी कहा है, इस रात में फरिश्ते उतरते हैं, मोमिनों से मुसाफे करते हैं, बात करते हैं, पता नहीं चलता, ठीक है। लेकिन ये ईमान बिलगैब का हिस्सा है, हम इसे तस्लीम करते हैं। कसम है इस रोशन किताब की जिसे हमने इस मुबारक रात में उतारा है, और बेशक हम इस किताब के जरिए डराने वाले हैं। फीहा युफ्रकु कुल्लु अम्रिन हकीम, इसमें फैसला कर दिया गया है हर अहम मजबूत काम का। किसमें? इस रात में हर अहम काम का फैसला कर दिया जाता है, लैलतुल कद्र। अम्रन मिन इंदिना, ये फैसला है हमारी जानिब से। फैसले तो अल्लाह लिख चुके हैं, अल्लाह रब्बे करीम वो हैंड ओवर कर देते हैं जिब्राइल को। जिब्राइल जो है वो चीफ इंचार्ज है फरिश्तों के, वो फिर सारा साल फरिश्तों को उनके अहकाम पहुंचाते रहते हैं, तुमने ये करना है, तुमने ये करना। इन्ना कुन्ना मुर्सलीन, और बेशक हम इस रात में फरिश्ते उतारते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान वालों पर फरिश्ते नाजिल होते हैं जब वो इबादत कर रहे होते हैं, कयामुल लैल कर रहे होते हैं, रातों में आके उन्हें सलाम कहते हैं और उन्हें कुछ खबरियां सुनाते हैं। तो वो हमें सुनाई बाजार नहीं देती, ना फरिश्ते दिखाई देते हैं, मगर वो दिल में खुशी और एक इत्मीनान की सूरत में आता है। तो इब्ने अब्बास कहते हैं कि दिल में जो इत्मीनान आता है और खुशी आती है और जन्नत की उम्मीद बनती है, ये है वो खुशखबरियां जो फरिश्ते हमें देते हैं। रहमत में रब्बी का, ये रात तेरे रब की तरफ से रहमत है। इन्ना हुवस समीउल अलीम, बेशक वो सुनता जानता है। रब्बिस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा व रब्बि आसमानो ज़मीन और उसके मा बैन का, इन कुंतुम मूकिनीन, अगर तुम यकीन करो। ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत, उसके सिवा कोई इलाहा नहीं, वो जिंदा करता है मौत देता है। रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन, वो तुम्हारा तुमसे पहलों का रब है जो तुम्हारे बाप दादा थे। बल हुम फी शक्किन यलअबून, मगर वो अपने शक की वजह से इसे खेल बनाए हुए हैं। फरतकिब यौमा तातिस समाउ बिलकान मुबीन, तो इंतजार करो उस दिन का जब आसमान धुआं धुआं हो जाएगा। यक्षन नास, लोगों को ढांप लेगा ये धुआं, यानी ये एंड ऑफ टाइम की बात हो रही है, कयामत की। हाजा अजाबुन अलीम, ये दर्दनाक अजाब है। रब नक्षिफ अन्नल अजाब इन्ना मुमिनून, उस वक्त पुकारेंगे इंसान अरे हमारे रब हम पर से अजाब हटा दे, हम ईमान वाले हैं। अन्नल जिक्र, कहाँ है
उनके लिए नसीहत अब वक़्त जाहुम रसूल मुबीन, उनके पास रसूल आ चुका दलाई लेकर। ये फरिश्ते कहेंगे आप इनके लिए नसीहत का भय, अब नसीहत का वह गुजर चुका। सुम्मा तवल्लौ अन्हु, फिर वह मुंह मोड़ गए उससे, यानी रसूल आया, रसूल से मुंह मोड़ लिया। वक़ालु मुअल्लमुन मजनून, और कहने लगे या तो इसको किसी ने इल्म सिखाया है, सिखा पढ़ा कर भेजा, या ये दीवाना है। इन्ना काशिफुल अज़ाब कलीलन इन्नकुम आइदून, बेशक हम हटाने वाले हैं अज़ाब को थोड़ा सा, और बेशक तुम लौटने वाले हो। यानी अल्लाह फरमा रहे हैं कि अभी हमने अज़ाब को थोड़ा टाला हुआ है, इसलिए तुम इतना टपते फिर रहे हो। यो मानव तिशुल बदशतल कुबरा, जिस तरह हम पकड़ेंगे वह सख्त पकड़ेंगे। इन्ना मुंतकिमून, हम इंतकाम लेकर रहेंगे। वला कद फतन्ना कबलहुम कौम फिरऔना, बेशक आजमाया हमने इनसे पहले कौम फिरौन को। वजा हम रसूल करीम, और उनके पास बड़ा मुअज्जिज़ पैगाम रसा भेजा। कौन था मुअज्जिज़ पैगाम रसा? मूसा अलैहिस्सलाम। अन अदु इलैया इबादल्लाह, और उसने कहा कि हवाले कर दो मेरे अल्लाह के बंदे, यानी बनी इसराइल को आजाद कर दो। इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, मैं तुम्हारे तरफ रसूल हूँ, अमानतदार हूँ। वल्ला तालु अलल्लाह, और अल्लाह के मुकाबले में सरकशी मत करो। इन्नी आतीकुम बिसुल्तानि मुबीन, बेशक मैं तुम्हारे पास वाज़े दलाइल लाया हूँ। वाई यूस्तु बिरब्बी वरब्बिकुम अन तरजुमून, और मैं पनाह ले चुका अपने रब की और तुम्हारे रब की, इससे तुम मुझे संसार करो। उन्होंने धमकी दी ना फिरौन ने, मैं तुझे संसार करा दूंगा, उन्होंने कहा मैं अल्लाह की पनाह ले चुका। वई लम तुमिनु ली फातज़िलून, और अगर नहीं तुम मेरी बात मानते तो मुझे छोड़ दो मेरी हालत पर, यानी तुमने ईमान नहीं लाना, ना चाहो दूसरों को बात सुनने दो। फदा रब्बहु, तो उसने पुकारा अपने रब को। अन्नहा उलाई कौम मुजरिमून, अल्लाह ये कौम बहुत बड़ी मुजरिम है, मुझे जुर्मों की आदी है। यानी ना ये किसी बात पे राजी नहीं हो रहे थे। पहला पैगाम तो ये था कि कितनी भी मुसलमान हो जाए और बनी इसराइल भी मुसलमान हो जाए, उस पर राजी नहीं थे। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये था कि तुमने जो करना करो, बनी इसराइल को ले जाने दो, उस पर भी राजी नहीं हो रहे थे। अच्छा, तुमने ईमान कबूल नहीं करना, अवाम को तबलीग करने दो, उस पर भी राजी नहीं हो रहे थे। तंग आकर मूसा अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ फरमाई। फासली भी वाली लई लरी नका मुत्तबाउन, हमने हुक्म दिया तो मेरे बंदों को लेकर रातों रात निकल जा, बेशक तेरा पीछा किया जाएगा। वक्त रुकी बाहरा रहवल, समंदर को साकिन छोड़ दो। इन्नहुम जुन्द मुगलकून, बेशक इसमें ये लश्कर गर्क होगा। जब समंदर पार कर लिया तो अल्लाह ने कहा समंदर को असा से टच मत करो, इसको ऐसे ही छोड़ दो। और फिर जब फिरौन गुजरा तो डूब गए। इसमें देखिए कितना लतीफ एक बात है ना, बात रास्ते की नहीं होती, बात नीयत की होती है ना। उसी रास्ते पर चलकर मूसा अलैहिस्सलाम कामयाब हो गए, उसी रास्ते पर चलकर फिरौन डूब गए। तो जब दिल में मुनाफिकत हो तो सीधा रास्ता भी मंजिल तक नहीं पहुंचाता, गिरा देती। कब तरह को मिन जन्नत व उयून, कितने छोड़े रहे अपने पीछे बागात और चश्मे, वजरू इन खेतियां व मकाम इन करीम, और बड़े ही अच्छे रहने की जगह। व नामते नेमते कानूफी है वाकहीन, जिनमें वो बड़े खुश थे। कजाली का इसी तरह बर्बाद करते हैं हम। व औरसना हका मना खरीन, और हमने उनका वारिस बनाया दूसरे लोगों को। फमा बकत अलैहि मुस्तमा व लर्जू, वो मरे तो ना पर जमीन रोई ना आसमान रोया। व मा कानू मुनजरीन, और ना वो मोहलत दिए गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब कोई मोमिन मरता है ना तो उसके रहने की जगह भी उसके लिए उदास होती है, और जमीन जहां वो नमाज पढ़ता है वो भी रंज करती है कि ये चला गया। और जब कोई काफिर मरता है तो जमीन भी शुक्र अदा करती है कि मेरी जान छूटी इसके बोझ से। तो उसी वो ही बात अल्लाह फरमा रहे हैं, जब वो मरे तो जमीन और आसमान नहीं रोए उनके लिए, तो उन्होंने भी कहा जान छूटी इनकी मुसीबत से। वलकद नजैना बनी इसराइल मिन अलअज़ाब अलमुहीन, और बेशक हमने निजात दी बनी इसराइल को जलील करने वाले अजाब से। मिन फिरौन, जो फिरौन देता था। इन्नहु काना आलिया मिनल मुसरफीन, बेशक वो हद से बढ़ने वालों में बहुत ऊंचा दर्जा रखता है, बहुत ज्यादा हद से बढ़ा हुआ था। वलकद इख्तरनाहुम, बेशक तरजीह दी थी हमने उनको। अला इल्म, इल्म के मामले में। अल आलमीन, तमाम आलम पर अल्लाह ने उन्हें बहुत ज्यादा इल्म अता किया था। आप देखिए तामीरात का इल्म यहाँ करना चाह रहे हैं ना, हमें मिस्र की जो तामीरात का इल्म था आज तक इंसान हैरान है, साइंस कितनी आगे पहुंच गई, मगर आज तक ये नहीं जाना जा सका कि अहराम मिस्र के सिलों को जो जोड़ा गया है तो किस तरह का मसाला इस्तेमाल किया गया, कि 5000 साल गुजर चुके हैं वो रखने नहीं हुए। आप देखिए ना हमारे कितनी जल्दी सीमेंट निकल जाते, तो वो आज तक जुड़े हुए हैं, जरा सा स्लिप नहीं हुए कहीं से। सेकेंडरी क्वेश्चन ये उठता है कितनी बड़ी सिलें मूव कैसे की गई, क्योंकि जिन पत्थरों से अहराम बनाए गए हैं उनकी काने जो हैं, पत्थर जो हैं, वो लाए गए हैं दरिया नील के पार से, तो वो मूव कैसे किए गए, दरिया से इधर कैसे लाए गए, फिर उसके बाद बुलंदी पर कैसे पहुंचाए गए, यानी कि जब तामीर हुई तो ऊपर कैसे पहुंचाए गए, निचला पत्थर तो लग गया उसको ऊपर वाला कैसे लगा। हालांकि निचला पत्थर, एक एक पत्थर जो है वो कई कई टन का है, छोटी ईंटें नहीं है, पत्थरों की सिले हैं, उन्हें तराश कर लगाया गया, तो वो जो इतनी बड़ी बड़ी सील है जो कई कई टन पर मुश्तमिल है कैसे उठाई गई। चलो मान लिया कि कुछ
गुलामों ने मिलकर निचली लाइन मुकम्मल कर दी, ऊपर वाली उससे ऊपर वाली, फिर आप देखिए कि कितने कितने फिट बुलंद है, 100-100 तक जो है उनकी हाइट जाती है, जो बड़े हराम है फीट तक, तो इतनी बुलंदी पर कैसे पहुंचाएगा पत्थरों को, कौन सी चीज थी, कौन सी क्रेन थी, कैसे खींचते थे। फिर जिस वक्त उनको जोड़ा गया तो उनके अंदर सुराख डाले गए, और जो नामुकम्मल अहराम है वहां पर बाकायदा इंजीनियर जो है वो देखते और मुताला करते, जैसे मैं डैम एट गजा का भी आपको शाइना वाला दिया था कि एक बरतानवी इंजीनियर है गजा पर डैम जो बन रहा था तो वहां काम कर रहे थे, तो छुट्टियों में वो मिस्र की सैर करने निकले, ओबियसली अहराम देखने गए, तो एक शहजादी का नामुकम्मल अहराम उन्होंने देखा, चूंकि वो खुद भी इंजीनियर थे तामीरात के, तो वो यही उन्होंने इसमें बड़ी तफसीली रोशनी डाली, बड़ी अच्छी उनकी रिसर्च है। वो कहती है कि उसमें जो सतूनों के जो पिलर्स हैं, पत्थर हैं पिलर्स के, उनके अंदर जो उन्होंने सुराख डाले हुए हैं वो एक जैसी गोलाई के हैं, और बाकायदा एंगल्स पर हैं कि कोई टेढ़े सामने से डाले गए हैं तो फिर ऊपर भी टेढ़े हैं, कोई सीधे डाले गए हैं, तो वो कहते हैं कि एक जैसी गोलाई के और एक रुख के सुराख थोड़ी छैनियों से तो डाले नहीं जा सकते, वो तो वर्मों से पढ़ते हैं, तो क्या उनके पास भी कोई टेक्नोलॉजी थी? डेफिनेटली थी, तो उन्होंने इतना काम किया। फिर आप एक और चीज देखें, उन्होंने जहरों के इल्म में इतनी यानी हासिल कर ली थी महारत कि आज तक भी हैरान करते तो कितनी मौतें होती, वो जो चीजों को जहर आलूद कर देते थे तो आज तक उसके असर पाए जाते हैं, जहरों को इतना देर पा कैसे बनाया, इतना गैर महसूस कैसे बनाया, नो वन नोस। फिर एक और चीज आप ये देखिए कि लाशों को ममीफाई करना, उन्होंने ये भी किया, तो अल्लाह यही फरमा रहे हमने इल्म में उन्हें तमाम जान की फौकियत दी थी, बहुत इल्म वाले लोग थे, जाहिल नहीं थे, मगर फिर भी उन्हें इतनी मोटी सी बात समझ नहीं आती थी कि अल्लाह एक है। वह आतना मैंने लाया थी माफी ही बला मुबीन, हमने कुछ ऐसी निशानियां दी जिनमें उनकी आजमाइश थी खुली, इन नहा बेशक ये लोग कहते हैं हमें तो बस एक ही मौत आती है, और हम उठाए जाने वाले नहीं है, फालतू फस ले आओ भी आबाई ना हमारे बाप दादा को, इनको तुम सालिकीन अगर तुम सच्चे हो। ये कुफारे मक्का की बात है कि कुफारे मक्का कहते हैं कि अगर हमारे हमने मर पर जिंदा होना हमारे बाप दादा को जिंदा करो तब मानेंगे, हम खैरुन अम कौमुन तुब्बा, इन लोगों की हालत बेहतर है ना ये कौमे तुब्बा की, कौमे तुब्बा कौन है, कौमे सबा, शाबाश आसन थी, कौमे सबा, कौमे तुब्बा का मतलब पता क्या है, जिसकी पैरवी की गई हो, जैसे आज यूरोप के पीछे लोग मरते हैं ना, एक जमाना था जब कौमे सबा के तरीके को फैशन समझा जाता था, लोगों के तरीके पर जीना पसंद करते थे, तो फिर मैंने आपको बताया था ना कि जो है सद्दे मारे टूटा और सारी कौम तबाह होगी, तो अल्लाह ने कहा कि हालत बेहतर है कौम तुब्बा वालों की, वो ज्यादा ताकतवर नहीं थे, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम उनसे पहले भी कई लोग गुजरे हैं, अहलक ना हमने ने हलाक कर दिया, इन्नहुम कानू मुजरिमीन क्योंकि वो मुजरिम थे, वमा हलकना समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबीन आसमान जमीन और उसके मापन की अशिया हमने खेल तमाशा नहीं बनाई, मा हलकना हुमा इल्ला बिल्हक हमने इन दोनों को पैदा किया एक वजह पर, वला कि ना अक्सर हम ला यालमून मगर लोगों की अक्सर दिल नहीं रखती, इन्ना यौमल फसल मीकातुहुम अजमईन बेशक फैसले का दिन इनकी जमा होने की मुद्दत है, यौमा ला युग्नी मौलन अन मौलन शैय्यन ये वो दिन है जब कोई अजीज किसी अजीज के काम ना आएगा, वला हुम युनसरून ना वो मदद दिए जाएंगे, इल्ला मन रहिमल्लाह सिर्फ उसी को मदद मिलेगी जिस पर अल्लाह रहम करे, इन्ना हुवल अजीजुर रहीम अल्लाह गालिब है रहम फरमाने वाला है, इन्ना शजरतुस ज़क्कूम और बेशक ज़क्कूम का दर हकीकत है, ताम्र असीम गुनाहगारों का खाना बनेगा, कल मुहल गले हुए तांबे की तरह युगली यगली फिर बतून जोश खाएगा उनके पेटों में, तो उसका फल तो पेटों में जाएगा ना तो पेटों में शरीर जलन पैदा करेगा, और इस तरह पेटों के अंदर जो पानी वगैरह है वो जोश खाएगा जैसे आग पर जो है तांबा लोहा खोलता है। आपको कभी ऐसी ड्यूटी हुई जिंदगी में? कभी ना कभी हुई होगी, तो कितनी तकलीफ होती है, तो इससे अंदाजा लगाए कि फिर इनको तकलीफ कैसी होगी। कागल ही हमीद खोलते हुए पानी की तरह इनके पेट जो है जोश मारेंगे, हुजू हुफा दिल हुला सवाई जहीन पकड़ो इसको घसीटो इसको जहन्नम के वस्त पे ले जाओ, सुम्मा सब गुफा करा से ही में अजाब हमीद और उड़ेल दे उसके सर के ऊपर खोलते हुए पानी का अजाब, लेकिन जब वो शोर मचाएंगे ना कि हमें तकलीफ हो रही है तो दारोगा जहन्नम मालिक हुक्म देंगे उसको घसीट कर बीच में करो उसके सर पर पानी डाल दो, तो वो जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते पानी इतना गर्म होगा कि इनके सरों पर पड़ते ही इनकी खाले जिस्म से अलग हो जाएंगे, ये अजाब है जिसका सामना करना होगा। जुक फरिश्ते कहेंगे चख
इन्ना कांतल अजीजुल करीम तू तो बड़ा ताकतवर था बड़ा मुअज्जिज़ था इन्ना हाज़ा मा कुंतु बिही तमतरून और ये है हमारे पास वो अज़ाब जिसका तू शक शक शुबे में मजाक उड़ाते रहे इन्नल मुत्तकीन फी मकामिन अमीन इनके बरस मुत्तकी लोग बड़े अमन वाली जगहों पर होंगे फी जन्नति मा उयूद बाहों में जश्नों में याद बसूना मिन सुंदुस पहने के बारीक रेशम व इस्तबला किन मोटा रेशम मुतकाबिलीन आमने सामने बैठेंगे इनके कपड़ों की वराइटीज होंगी यही के एक जैसे ड्रेसेज होंगे जो दिल चाहेगा वो पहनो कजाली का इसी तरह अंजाम होगा वजब व जना हूँ बिहूरी है हम उनके निकाह कर देंगे मोटी आंखों वाली हूड़ों के साथ यद ऊन अभी फी हा बिकुल्ली फाकी हकिन आमिनी और वो तलब करेंगे इसमें हर किस्म के फल पूरे आराम के साथ ला यज़ुकून फीहा अल-मौता उन्हें मौत नहीं छुएगी इल्ला अल-मौतातुल उला बस वही मौत जो पहले आ चुकी और वक़ाहुम अज़ाबल जहीम और अल्लाह उन्हें जहन्नम के अज़ाब से बचा लेगा फ़ज़लन मिन रब्बिका ये तेरे रब का फ़ज़ल है ज़ालिका अल-फ़ौज़ुल अज़ीम ये है बड़ी कामयाबी फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका लअल्लहुम यतज़क्करून और बेशक हमने कुरान को अपनी ज़ुबान पर आसान कर दिया ताकि वो लोग नसीहत पकड़े फ़र्तकब इन्नहुम मुर्तकिबून तुम भी इंतज़ार करो वो भी मुंतज़र हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरतुल याफिया हामीम तंजीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम इस किताब का नज़ूल अल्लाह की तरफ से हो रहा है जो ग़ालिब है हिकमत वाला है इन्ना फिस समावाति वल अर्ज़ि लआयातिल लिल मुमिनीन ज़मीन व आसमान में मोमिनों के लिए निशानियां हैं वफी खल्क़िकुम वमा यबुस्सु मिन दाब्बतिन आयातुल लिक़ौमिन यूक़िनून खुद तुम्हारी पैदाइश निशानी है और उन सारे जानवरों में जो अल्लाह फैला रहा है जमीन में निशानियां यकीन रखने वालों के लिए वख्तिलाफिल लैल वन नहारी रात और दिन के आने जाने में वमा अंज़लल्लाहु मिनस्समाई मिन रिज़्क़िन और उस रिज़्क़ में जो अल्लाह आसमान से उतारता है फ़हिया बिहिल अर्ज़ बादा मौतिहा और फिर उसके जरिए जमीन को बंजर होने के बाद जी उठाता है वतसरीफ़ रियाही हवाओं के चलने में आयातुल लिक़ौमिन यूक़िनून अक़ल वालों के लिए निशानियां हैं तिल्का आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिलहक़ बेशक तेरे रब की निशानियां हैं आयतें हैं जो पढ़ी जा रही हैं तुझ पर पूरी सच्चाई के साथ फबिअय्यि हदीसिन बादल्लाहि व आयातिहि युमिनून तो अल्लाह की इस गुफ्तगू और निशानियों के बाद किस चीज पर ईमान लाना है लोगों ने वैलुल लिकुल्लि अफ़ाकी नसीम हलाकत है हर जूझे के लिए हर गुनाहगार के लिए यस्माउ आयातिल्लाहि तुत्ला अलैहि जो सुनता है अल्लाह की आयतें जब वो पढ़ी जाती हैं उस पर सुम्मा युसिरु मुस्तकबिरन फिर इसरार करता है तकब्बुर करते हुए का अल्लम यस्माहा और यूं बन जाता है जैसे उसने सुना ही नहीं फबशिरहु बिअज़ाबिन अलीम उसे अज़ाब अलीम की खुशखबरी दीजिए वइज़ा अलिमा मिन आयातिना शैअन इत्तख़ज़हा हुज़ुवा जब वो जान लेता है हमारी आयत में से कोई चीज़ तो बना लेता है उसे मजाक मुलायक लहुम अज़ाबुन मुहीन उनके लिए दर्दनाक रुस्वाकुन अज़ाब है मिन वराई जहन्नुम दुनिया में रुस्वा कुन अज़ाब है और आगे उनके लिए जहन्नुम है ला वला युनी अन्हुम मा कसबु शैय्यन और उनके जरा काम नहीं आएंगे उनके आमाल वला मत तखज़ु मिन दूनिल्लाहि औलिया ना वो लोग काम आएंगे जिन्हें इन्होंने अल्लाह के सिवा सरपरस्त बनाया वलहुम अज़ाबुन अज़ीम उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है हाज़ा हुदन ये है हिदायत वल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम लहुम अज़ाबुन मिन रिज़्ज़िन अलीम और जिन लोगों ने मेरी आयात का इनकार किया अपने रब की आयतों को झुठलाया उनके लिए ऐसा अज़ाब है जो रुसुवा कर देगा और रुलाएगा अल्लाह अल्लज़ी सख़्ख़रा लकुमुल बहरा अल्लाह वो है जिसने तुम्हारे लिए समंदर मुसख़्ख़र कर दिए लितजरिया अल-फुल्का फ़ीही बिअम्रिही ताकि तुम अल्लाह के हुक्म से समंदरों में कश्तियाँ चलाओ वलितब्तगू मिन फ़ज़लिही और उसका दिया रिज़्क़ तलाश करो वलअल्लकुम तशकुरून तुम शुक्रगुजार हो जाओ वसख़्ख़रा लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मिन्हु और उसने मुसख़्ख़र कर लिया तुम्हारे लिए जो कुछ ज़मीनों में है और आसमानों में है जमीअन मिन्हु सारा का सारा उसमें से इन नफी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमिन यतफक्करून बेशक इसमें गौर व फिक्र करने वालों के लिए निशानियां हैं कुल लिल्लज़ीना आमनू ईमान वालों से कह दीजिए यग़फिरु लिल्लज़ीना ला यरजूना अय्यामल्लाहि उन लोगों से दरगुज़र कर रवैया रखें जो अल्लाह के दिनों की उम्मीद नहीं रखते लियज़ीया क़ौमन बिमा कानू यक्सिबून ताकि वो बदला दे एक कौम को उनके आमाल का यानी अल्लाह ने दिन मुकर्रर कर रखा है क़यामत का आमाल के बदले के लिए तो मोमिन उनसे उलझा जो इसका इस दिन का इनकार करते हैं बल्कि दरगुजर करें मन आमिला सालिहन फलिनफ्सिही जो नेक करेगा काम अपनी जान के लिए करेगा व मन असाअ फअलैहा जो बुरा काम करेगा उसका बोझ उसी पर है सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन फिर तुम सब अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे वलकद आतैना बनी इसराइल किताब वल हुक्म वल नबुवता हमने बनी इसराइल को किताब हिकमत और नबुवत दी और रज़क़नाहुम मिन तय्यिबाति उसे पाकीज़ा खाने दिए व फज़्ज़लनाहुम अलल आलमीन और तमाम अहले आलम में से तमाम जहान वालों में से उन्हें मुंतखब किया व आतैनाहुम बय्यिनातिन मिन अल अम्र हमने उन्हें अपने हुक्म से अपने दीन में से रोशन दलाइल अता की फमख्तलफू इल्ला मिन बादी मा जाअहुम अल इल्म
بغیم بینہم تو ان کے اہل علم نے کتاب کے آ جانے کے بعد آپس میں اختلاف رائے اپنی باہمی ضد کی وجہ سے کیا. یہ ہے فقہی جو ہے نا وہ اختلافات. اور یہ سنی وہابی اختلاف ابھی جو ہم بات کر رہے تھے بریلوی صاحب کی کہ وہ شرک پر اڑے ہوئے ہیں, تو قرآن کو نہیں پڑھتے اس لیے اڑے ہوئے ہیں. ضد ہے اپنے قرآن کو پڑھے اور سمجھے تو سب ایک رستے پر آ جائے. اِنَّا رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے ماں بہن قیامت کے لیے ان اختلافات کا جو میں نے فرپا کر رکھے ہیں. ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ, ہم نے آپ کو اپنے حکم سے ایک قانون دے دیا ہے. فَتَّبِعْهَا, اس کی پیروی کیجیے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, اور بے علم لوگوں کی خواہشات کے پیچھے مت چلیے. تو دیکھیے ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ جو یہی سے میں مثال دے رہی ہوں جو آج ہم بات کر دیں کہ لیلۃ القدر پانچ تاک راتوں میں سے ایک رات ہے. دوسری طرف بے علم لوگوں کو جن کو وہی نہیں آئی ان کا یہ کہنا نہیں جی ستائیسویں رات ہے, تو فالو کس کو کرنا ہے جس کو آپ کا دل چاہے, مگر اللہ کہتے ہیں میرے دل میں ایک کو فالو کرو. اِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, بے شک وہ لوگ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے اللہ کے مقابلے میں. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ, اور ظالم ایک دوسرے کے سرپرست ہوں گے. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ, اور اللہ سرپرستی کرے گا متقی لوگوں کی. هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ, یہ قرآن ایک نشانیاں ہے بصیرت ہے اس کے اندر انسانوں کے لیے. وَهُدًى هِدَايَةٌ ہے. وَرَحْمَةٌ رَحْمَتٌ ہے لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ, یقین رکھنے والوں کے لیے. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ, کہ کیا خیال کیا جاتا ہے جنہوں نے برے کام کیے. ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات, میں انہیں برابر کر دوں گا ایمان والے نیکوکار افراد کے. سواء محیاہم و مماتہم, برابر ہم کا جینا اور مرنا میرے نزدیک. سا مالحکم, تو کیسے فیصلے کرتے ہو بہت برے. وخلق اللہ السماوات والارض بالحق, اللہ نے زمین و آسمان کو مقصد کے تحت بنایا ہے. ولتجزى كل نفس بما کسبت, اور وہ مقصد یہ کہ ہر جان کو اس کا کمائی کا بدلہ دیا جائے. وہم لا یظلمون, ان پر ظلم نہیں ہوگا. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا ہواہ, کیا تم نے دیکھا اس بندے کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا. وازلہ اللہ علی علم, تو بھٹکا دیا اس کو اللہ نے علم کے بعد بھی. وختم علی سمعہ, اور مہر لگا دی اس کے کانوں پر. وقل بھی دل پر. وجہ علی بصرہ نشاوتا, اور اس کی آنکھوں پر پڑکا ڈال دیا. فمن یهدیہ من بعد اللہ, کون ہے جو اللہ کے سوا اسے ہدایت دے گا. افلا تذکرون, کیا تم نصیحت پکڑتے ہو. وقالوا, انہوں نے کہا. ما ہی الا حیات الدنیا, ہمارے لیے بس دنیا کی زندگی ہی زندگی ہے. نموت و احیا نحیا, ہم اسی میں مرتے اور اسی میں جیتے ہیں. وما یهلکنا الا الدهر, اور ہمیں ہلاک کرتا ہے وقت زمانہ, یعنی وقت کے ساتھ ہم مر جاتے ہیں. فرما رہا ہوں بزاری کا من علم, اور نہیں ہے ان کے لیے اس بات کا کوئی علم, یعنی انہیں کچھ پتا نہیں ہے موت زندگی کے بارے میں. انہوں الا یظنون, وہ تو اپنے گمانوں پر لگے ہوئے ہیں. ویزا تتلا علیہم آیاتنا بینات, اور جب پڑی جاتی ہیں ان پر روشن آیتیں. ما کان حجتہم, ان کی حجت ہوتی ہے. الا انکارو, سوائے اسے ایک بات کی, یعنی وہ صرف یہ حجت پیش کرتے ہیں. عید بھی آپ آئی نہ ان کو تم صادقین, اگر دوبارہ مٹھو اٹھایا جانا سچ ہے تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ. کل اللہ ہی کل اللہ یو تو کہیے, اللہ ہے جو تمہیں زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے. سو مالیہ جمع ملا یوم القیامت, پھر وہ تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن میں. زیادہ بفی, جس میں شبہ نہیں ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, اور یہ بات لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی. وللہ ملک السماوات والارض, زمین و آسمان اللہ کی ملکیت ہے. ویوم تقوم الساعۃ, اور جس دن قیامت کھڑی قائم ہوگی. یوم ایسے یکثر المبطلون, اس دن باطل پرست سخت نقصان اٹھائیں گے. وترى کل امۃ جاسیۃ, اور تم دیکھو گے ہر امت کو گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے. جاسیہ, اسی آیت سے نام لیا گیا. کل امت تدعا الى کتابہا, ہر امت بلائی جائے گی اپنے اعمال نامے کی طرف. الیوم تجزون ما کنتم تعملون, ان سے کہا جائے گا آج تم جزا دیے جاؤ گے اپنے اعمال کی. حاضر کتاب ہونا ینتقو علیکم بالحق, یہ ہماری تحریر شدہ تمہارا اعمال نامے کی کتاب ہے جو تمہارے بارے میں سچی گواہی دے گی. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون, اور بے شک ہم لکھواتے تھے تمہارے سارے اعمال کو. فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات, تو جہاں تک نیکوکار ایمان والے لوگ شامل ہیں. فیدخلہم ربہم فی رحمتہ, تو ان کا رب ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. ذالک هو الفوز العظیم, فوز المبین, یہ بڑی کامیابی ہے, کھلی کامیابی ہے. وام الذین کفروا, جہاں تک ہیں کافر. افل اب تک ان آیات تتلا علیکم, تو ان کا یہ حال تھا دنیا میں کہ جب ان پر میری آیتیں پڑھی جاتی تھی. فاستكبرت, تم تکبر کرتے تھے. وکنتم قوما مجرمین, تم مجرم لوگ ہو. یعنی اللہ کہیں گے دنیا میں میری آیتیں سن کر تم نے تکبر کیا. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, جب تم سے کہا جاتا اللہ کا وعدہ سچ ہے. وَالسَّاعَةُ
और कयामत भी सच है। ला रैब फीह के आने में शुबा नहीं है। कुल तुम कहते थे मा नदरी मा साअतु, हम नहीं जानते कयामत क्या है। इन नज़न्नु इल्ला ज़न्न, हमारा ख्याल है, तुम लोगों ने महज एक ख्याल बना रखा है। और मा नहनु बिमुस्तयकिनीन, हम इस पर यकीन नहीं कर सकते। और बदा लहुम सय्यिआतु मा अमिलु, ज़ाहिर हो जाए क्योंकि हमारी की बुराइयां। वहां का भी मकान भी यस्तहज़िऊन, और फिर लेगा जो वो अज़ाब जिसका उन्होंने इस्तेहज़ा उड़ाया। कील अल्यौम नंसाकुम कमा नसीतु लिका अयौमिकुम, अल्लाह फरमाएगा मैंने आज तुम्हें भुला दिया जिस तरह तुमने मेरी मुलाकात के दिन को भुला रखा था। हाजा वमा वाकुम नार, ये दिन जो आज सामने है तुम्हारा ठिकाना जहन्नुम है। वमा लकुम मिन नासिरीन, तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी। ज़ालिकुम बिअन्नकुम इत्तखज़्तुम आयातिल्लाहि हुज़ुवन, और ये रवैया सब कुछ इसलिए है तुम्हारे साथ हमारा कि तुम्हें वैल्यू निकालने सजा देने कि तुमने अल्लाह की आयतों को मजाक बना लिया। वो अदब को हयात दुनिया, तुम्हें दुनिया की जिंदगी में अपने धोखे में डाल दिया। फलियो मल्ला युजू ना मिनहा, आज तुम यहाँ से निकाले नहीं जाओगे। वो वला उस्ताद अब ना तुम्हें तुम्हारा भी उजर कबूल होगा। बल अल्लाह हमदु रब्बिस समावात व रब्बिल अर्दी, अल्लाह ही के लिए हमद है जो रब आसमान है और रब जमीन है, रब्बिल आलमीन तमाम जहानों का रब है। वलहुल किब्रिया फिस समावात, उसी के लिए बड़ाई है आसमानों में वल अर्ज़ी जमीन में। वो हुवल अज़ीज़ुल हकीम, वो गालिब है और हिकमत वाला है। जी कोई बात, चलिए इंशाल्लाह हमारा भी एक दो दिन में कुरान मजीद खत्म हो जाए तो कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।